हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रही है बहुत ही मसालेदार चटाकेदार मिक्स्ड वेज सब्जी। लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि मिक्स वेज मीठी मीठी सब्जी बनती है। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे मसाले जिससे कि सब्जी मीठी ना बने, मसालेदार चटाकेदार बने। चलिए बनाते हैं खास सर्दियों के लिए मिक्स्ड वेज विंटर स्पेशल सब्जी। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम करके मैं इसमें फ्राई करूंगी एक बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे पहले 1 मिनट के लिए तो मैं बिना ढके ही फ्राई करूंगी। इस पे एक अच्छा सा क्रस्ट आना शुरू हो जाता है और 1 मिनट के बाद लगा दूंगी ढक्कन। ढकने से इसमें स्टीम बनेगी जिसकी वजह से आलू सॉफ्ट होगा, और क्योंकि खुली तेल में फ्राई हो रहा है तो एक बढ़िया सा क्रस्ट भी आएगा इसके ऊपर। इस तरह से फ्राई करके डालने से जब बाकी सब्जियां इसमें मिक्स हो जाएंगी तो आलू की स्टार्च घुलेगी नहीं पूरी सब्जी में, इससे मिक्स वेज खिला खिला बनेगा। मैं ढक्कन उतार कर इसे बीच में चलाती रही हूँ हर 20-25 सेकेंड के बाद। अब टोटल 2 मिनट हुए हैं इसे फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक कटी हुई गाजर। गाजर को भी देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। मेरे पास ऑरेंज गाजर है, आपके पास अगर लाल गाजर हो तो आप वह डाल लें। अगर आप मिक्स वेज में ताज़े मटर डाल रहे हैं तो वह भी आप गाजर के साथ ही मिक्स कर लें। मिक्स वेज में इस तरह से फ्राई करते हुए सब्जियों को हमेशा उसी सीक्वेंस में डाला जाता है जितनी देर उन्हें लगनी होती है कुक होने में। जिस सब्जी को ज़्यादा टाइम लगता है उसे पहले फ्राई करेंगे, जिसको उससे कम वो नेक्स्ट, इस तरह से इसी सीक्वेंस में। गाजर को भी 2 मिनट फ्राई किया है और अब देखिए आलू पर क्रस्ट बनना शुरू हो गया है। फर्म सी लेयर आती है आलू के ऊपर। अब बस इसी टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी गोभी। और देखिए गोभी भी मैंने कोई बहुत बड़े बड़े पीसेस में नहीं कट करी है, छोटे छोटे ही हैं। इसके साथ ही मैं मिला दूंगी 3 बड़े चम्मच फ्रोजन मटर, जिन्हें मैंने थॉ कर लिया है। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो आप पहले गाजर के साथ डालें, क्योंकि फिर मटर को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रोजन मटर बहुत जल्दी कुक होते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब दोबारा से ढककर मैं 2 और मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। हीट आपने बराबर मीडियम पर ही रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है इस रेसिपी की। इस तरह से फ्राई करके सब्जियां डालेंगे तो एंड में जो रिजल्ट रहेगा उसमें सब्जियां खिली खिली रहेंगी। गोभी डालने के बाद 2 मिनट और कुक किया है। अब ये सब्जियां ऑलमोस्ट 70% कुक हो चुकी हैं। ये देखिए आलू को मैं चेक करती हूँ, आराम से फोर्क इसमें जा रहा है, लेकिन अगर हाथ से दबाऊं तो आलू अभी दब नहीं रहा है। गोभी को भी अभी चेक करूं तो कुक हो गई है, सॉफ्ट हो रही है, लेकिन अभी भी मुंह में डालने पर इसमें क्रंच है। फ्राई की हुई सब्जियों को मैं अभी निकाल लूंगी एक प्लेट पर। पेपर टॉवल नहीं लगाना है, इसमें जो भी अभी सब्जियों में तेल है वह सब अभी आगे काम आने वाला है बाकी की कुकिंग में। इन सब्जियों को भी रखूंगी साइड पर। और यहाँ कढ़ाई में देखिए तेल बच गया है, इसी में बाकी की कुकिंग होगी। इसमें आप पहले 1 छोटा चम्मच जीरा भून लें। मैंने जीरा बाद में भूना है, भूल गई थी मैं पहले डालना। जीरा भून कर उसमें आप डालें 1/2 कप कटा हुआ प्याज। इसके लिए 1 मीडियम साइज का प्याज ले लें। मैंने देखिए बाद में 1 चम्मच जीरा डाला है। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये हल्के गुलाबी होंगे तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे बराबर चलाते हुए प्याज के साथ ही भून लेंगे। मैंने शुरू में सारी सब्जियों को तो फ्राई किया था मीडियम हीट पर, लेकिन जब से प्याज डाला है उसके बाद से हीट है लो और मीडियम के बीच में। अब ये 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट भुना है तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप कटा हुआ टमाटर। 1 छोटा टमाटर डाला है। कढ़ाई पर अभी लगा दूंगी ढक्कन ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। इसे कुक कर लिया है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसे ढक्कन उतार कर मैं कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लूंगी। देखिए टमाटर का पानी अब सूख गया है। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हींग, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम तीखा होता है तो साथ में मैं ला रही हूँ 1/3 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। इन मसालों को मैं भून लूंगी अभी 20-30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप कटी हुई मेथी। ये पहला 1 कप डाल दिया और ये हो गया 2 कप। मेथी को मैंने अच्छी तरह से चुनकर धोकर एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर चाकू से काटा है। मेथी को बहुत बारीक बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रहे पत्ता। मेथी को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसे ढककर कुक कर लूंगी। हीट को लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। बीच बीच में ढक्कन उतार कर इसे चलाते भी रहेंगे। अब मेथी मेन इंग्रेडिएंट है जिससे इस सब्जी में पूरा फ्लेवर्स का बैलेंस आता है। मिक्स वेज में डला हुआ है गाजर, मटर, प्याज, ये तीनों चीज़ें मिठास देते हैं सब्जी को। जो हमने टमाटर डाला है उससे हल्की खटास आएगी
और मेथी का जो अपना नेचुरल कड़वापन है वह सारे ही फ्लेवर्स को बैलेंस करता है। अक्सर लोगों की जो शिकायत होती है कि मिक्स वेज बहुत मीठी मीठी सब्जी बनती है, मेथी डालने से उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर आप सब्जी में मेथी की क्वांटिटी कम डालना चाहते हैं तो कम कर लें, एक कप डाल लें या डेढ़ कप डाल लें, लेकिन डालें ज़रूर, उसी से ही बैलेंस आएगा। 5 से 6 मिनट मेथी को अकेले ही कुक किया है, अब बाकी की सब्जी भी इसी में मिक्स कर लूँगी। सबको इकट्ठा मिक्स करके ढककर अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। बीच बीच में ढक्कन उतार कर चलाते भी रहना है, इससे सारी सब्जी में ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पूरी सब्जियाँ भी इकट्ठे कुक हो जाएगी। अब 3 मिनट के बाद ढक्कन उतार कर इसमें मैं डालूंगी 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं हीट को करूंगी मीडियम पर और सब्जी को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अमचूर पाउडर की खटास भी पूरी सब्जी में एक फ्लेवर्स का बैलेंस लाएगी। कोई भी कड़वी चीज़ अगर बन रही हो उसमें आप थोड़ा सा अगर खटास डाल देते हैं तो उससे फ्लेवर्स बैलेंस होते हैं। इसमें सारी ही सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, ये देखिए गाजर, आलू, गोभी, मटर सभी बढ़िया से कुक हो गया है। बहुत ही डिलिशियस मिक्स वेज तैयार हुई है। सर्दियां खत्म होने से पहले ये मिक्स वेज जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से वीडियो को करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।